Hello, once again we are here with a new topic, significant figures, and the chapter is the same, system of units. What is significant figures and what is the use in this syllabus? And this is a very important chapter for the competition also, and it is very easy how to find out the significant figures. We will discuss on this today. To understand what is significant figure, let us take an example. Suppose I measure this rod, and the length of this rod is 27.3 centimeter. Now, if I measure this rod and find that 27.3 centimeter is the length of this rod, and I am sure about this 27, ki ye to 27 pakka hai, but I am not sure about this 3, whether it is 2 or whether it is 3 or between 2 and 3. मतलब कहने का हमारा ये है कि 27.3 सेंटीमीटर रॉड की लंबाई है, लेकिन मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इसकी लंबाई 0.3 में है या 2 और 3 के बीच में है, या एग्जैक्ट 2 है या एग्जैक्ट 3 है. बट आई एम श्योर दैट 27 तो होगा ही होगा, या 27 तो है ही पूरा पक्का. इस पे मैं पक्का हूँ, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ. तो ये जो हमारे पास ये जो तीन नंबर्स हैं, इसमें ये वाला जो नंबर है ये रिलायबल हो गया, रिलायबल, और ये वाला हो गया अनरिलायबल, मीन्स डाउटफुल. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए जितने भी नंबर रिलायबल हैं वो प्लस एक अनरिलायबल नंबर को काउंट करके, ऐड करके जो नंबर्स आते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं. तो हमारे इस पूरे डिजिट में, इस पूरे लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? एक तो दो रिलायबल और एक अनरिलायबल, यानी कि 2 + 1 = 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज 3. ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है हमारे इस कैलकुलेशन में. तो इसी तरीके से कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, और आपके बुक में बहुत सारे रूल्स दिए हैं. दे आर सो मेनी रूल्स एंड द टीचर्स फोर्स देम टू लर्न इट, बट आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट से दैट यू लर्न इट. यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू कीप इन योर माइंड, एंड वेन एवर द क्वेश्चन विल कम यू कैन फाइंड बाई योर ओन. देर इज़ नो नीड टू लर्न इट बाई हार्ट, बट टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू कैन फाइंड दिस रूल्स फ्रॉम योर बुक, एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन लर्न ऑल्सो, बट आई विल नॉट से दैट यू लर्न इट, यू अंडरस्टैंड दिस. तो वॉट आर द रूल्स, आई विल नॉट डिस्कस दैट, बट आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the numbers you know very well. तो all this 1, 2, 9 जितने भी number होंगे 1 से लेकर के 9 तक में, अभी हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जितने भी numbers होंगे, they all are significant. ये सभी significant होंगे, they all are significant. Now what about 0? अभी 0 का क्या है? इस 0 के कुछ अलग रूल्स हैं जो कि समझने पड़ेंगे हमें. 0 का क्या है? 0 अगर दो नंबर के बीच में, सपोज हमने लिखा 2, 4, 0, 0, 7, इफ टू जीरोज आर हियर एंड दे आर इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, मीन्स दिस आर कॉल्ड ट्रैप 0. इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रैप 0. इफ़ ज़ीरोज़ आर ट्रैप्ड तो दे आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे. मीन्स ऑल द नंबर्स दे आर सिग्निफिकेंट, एंड 0 विच इज ट्रैप्ड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. सो इन दिस
हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर देयर, ये तो होंगे ही, वन टू थ्री तो होंगे होंगे, साथ में दोनों भी होंगे, मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव, देर आर फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर. तो दिस इज द रूल फॉर जीरो विच इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द टू नंबर्स. जो दो नंबर के बीच में ट्रैप है वो सभी जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे. दूसरा, द सेकेंड जीरो, इफ़ द जीरो इज इन द लास्ट ऑफ द नंबर, सपोज करो 4280, अगर ऐसा कोई जीरो है यहाँ पर और ये किसी मेजरमेंट में आ रहा है, सपोज हमने कहा कि 4280 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ इन किलोमीटर, ये मेजरमेंट में आ रहा है, तो ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट में आएगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा. इफ़ इट इज़ ओनली 4280 एंड देर इज़ नो यूनिट, तो ओनली 1, 2, 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? इफ सपोज 987.560, सपोज ज़ीरो यहाँ पर है, इफ द ज़ीरो इज ट्रेलिंग एट द लास्ट, ट्रेलिंग ज़ीरो, जैसे यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो था, यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या होगा? इस केस में हमारे पास इस ज़ीरो को काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. इफ़ द ज़ीरो इज़ ट्रेलिंग एंड आफ्टर डेसिमल अगर आता है ये, तो ये हमारा ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. तो इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. ज़ीरो के बारे में फिर से बता दें, इफ़ द ज़ीरो इज़ इन बिटवीन द नंबर्स, इन बिटवीन द नंबर्स मीन ट्रैप ज़ीरो, अगर ज़ीरो ट्रैप्ड है तो सिग्निफिकेंट होगा. इफ़ ज़ीरो इज़ ट्रेलिंग लास्ट में है एंड इफ़ इट इज़ अ मेजरमेंट, तो ये हमारा ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर नहीं है तो ये नहीं होगा. इसमें केवल थ्री होंगे और इसमें हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर हैं. और अगर ज़ीरो हमारा ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल के बाद है, तो उस केस में हमारा ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर. तो ज़ीरो की कंडीशन हमारे पास, वन ट्रैप ज़ीरो सिग्निफिकेंट, सेकेंड हमारा ये हुआ इफ़ ज़ीरो इन द लास्ट एंड कम फ्रॉम मेजरमेंट, तो सिग्निफिकेंट होगा. इफ़ ज़ीरो इन द लास्ट बट नॉट कमिंग फ्रॉम द मेजरमेंट, इट इज़ ओनली द नंबर, तो ओनली थ्री सिग्निफिकेंट होंगे हमारे पास यहाँ पर, मतलब ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा. और अगर डेसिमल के बाद ज़ीरो आता है, तो उस केस में अगर हमारा ट्रेलिंग ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब लास्ट में ज़ीरोज हैं, तो ये हमारा ज़ीरो एज अ सिग्निफिकेंट कहलाएगा. मीन्स वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट होंगे. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द थर्ड, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि अगर ज़ीरो हमारा नंबर के पहले है, सपोज करो ये ज़ीरो है, एक डेसिमल है ये, और 0, 0, 4, 7 ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नंबर है, तो ये जो डेसिमल है हमने इसके पहले ज़ीरो इससे रख दिया, कि ये डेसिमल में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि डेसिमल है कि नहीं है, तो ये ज़ीरो तो लगा दिया जाता है कि ये डेसिमल पता लग जाए, वरना इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है. नाउ इसके बाद हमारे पास दो ज़ीरो आ रहे हैं ये, तो क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे? तो इस केस में हमारे पास केवल ये दो ही नंबर होंगे जो कि सिग्निफिकेंट होंगे. अगर ये ज़ीरो लास्ट में होता तो हम इसको लेते, बट ये ज़ीरो पहले है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था अभी, ये ज़ीरो लास्ट में बट डेसिमल पहले आ चुका है, इसलिए ज़ीरो को ले रहे हैं. यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है इस दोनों ज़ीरो के बीच में, इसलिए ज़ीरो नहीं लिए जाएंगे. ओनली सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास? टू होंगे यहाँ पर, दे आर टू सिग्निफिकेंट ओनली. नाउ दीज आर ओनली द अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन वी फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. दे आर सो मेनी रूल्स इन योर बुक, यू कैन रिवाइज, यू कैन लर्न, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, बट दिस इज़ द क्रंच दैट हाउ कैन यू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ ईजी वे. अगेन आई विल रिवाइज दिस फॉर यू ऑल. सपोज आई हैड टेकन द रॉड एंड आई मेजर द लेंथ, द लेंथ इज 27.3. आई एम कन्फर्म अबाउट 27 बिकॉज इट इज़ कन्फर्म्ड एंड इट इज़ रिलायबल नंबर, बट अबाउट 3 आई एम नॉट कन्फर्म, मे बी इट इज़ 2, मे बी इट इज़ 3, मे बी इट इज़ 2 एंड बिटवीन 2 एंड 3, सो इट इज़ नॉन रिलायबल, इट इज़ नॉन एक्यूरेट, मीन इट इज़ डाउटफुल नंबर. सो द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज दो टू हमारे जो रिलायबल नंबर्स हैं प्लस वन जो डाउट नंबर में है, उनको जोड़ लेंगे, उनको काउंट कर लेंगे, एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इन दिस केस देर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स? आई हैव डिस्कस
फ्रॉम 0 to 9 दे आर होल नंबर्स बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1 to 9। जितने भी नंबर हमारे पास होंगे ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। बात जीरो की अगर करें तो जीरो अगर ट्रैप है, दो नंबर के बीच में जीरो आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो अगर ट्रेलिंग है, वो किसी मेजरमेंट से आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगा। और अगर किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल लग चुका है तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद में ज़ीरो है, उसके बाद में कोई नंबर है तो हमारा ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस केस में ओनली 2 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस फॉर दिस रिवीजन, हाउ विल यू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आई हैड सम नंबर्स फॉर यू ऑल एंड वी विल डिस्कस द नंबर्स एंड फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ देर आर फ्यू नंबर्स आई हैड रिटन हियर एंड वी विल फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट वी हैड अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड। नाउ सी दिस नंबर 600900, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। इफ आई से 6 and 9 तो सिग्निफिकेंट हो गई होगी, क्योंकि हमने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के साइड डिजिट को हम बोल देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो दो हो गए हमारे, और बीच में ये दो हमारे ट्रैप जीरो हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, और इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर आर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इन नंबर में होंगे। नाउ इफ़ यू सी हियर 400, 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, लेकिन ये मीटर लिखा हुआ है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एनी मेजरमेंट, दैट्स वाई दिस जीरो ऑल्सो बी टेकन। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 हियर। नाउ इफ यू सी हियर 978.850, दिस इज़ अ ज़ीरो, ट्रेलिंग ज़ीरो, बट डेसिमल आ चुका है यहाँ पर, इसलिए हम इस ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे 7, 0 कोई डेसिमल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास केवल 7 एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1। इफ़ आई से 0.007 में ये 00 नंबर के पहले आ रहा है, इसकी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये डेसिमल को दिखाने के लिए ज़ीरो रखा गया है, तो ये तीनों ज़ीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, केवल हमारे पास एक होगा 7। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ देर आर नंबर्स इन द पावर फॉर्म ऑल्सो, सपोज 10^-31 में यहाँ पर लिखा हुआ है 9.1×10^-31, तो जितने भी 10 की पावर के नंबर्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर कितने नंबर हैं हमारे पास, 1, 2 दोनों ही नंबर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज करो हमने कहा कि 1 मीटर, इफ़ आई से 1 मीटर एंड इफ़ आई से 100 सेंटीमीटर, तो बोथ द मीनिंग हैव सेम, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल यूनिट चेंज हो गई है। तो इफ़ आई चेंज द यूनिट देन ऑल्सो देर विल बी नो चेंज इन द सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी एक था और यहाँ पर भी एक ही रहेगा। तो इसी तरीके से किसी नंबर को हम 10 की पावर में लिखते हैं तो वो हम नहीं काउंट करेंगे, केवल उसके नंबर्स को काउंट करेंगे। तो ओनली 2 आर हियर, देयरफॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2 ओनली। हियर इफ आई से 0.045 तो कितने होंगे, 2, बिकॉज ये ज़ीरो के पहले कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे दो नंबर को ही हम लेंगे, इसलिए यहाँ पे देखा जाए 25300 में देर इज़ नो डेसिमल, दिस इज ज़ीरो इज़ ट्रेलिंग ज़ीरो, देर इज़ नो नंबर हियर, मीन्स देर इज़ नो ट्रैप ज़ीरो, तो दिस ज़ीरो विल नॉट बी काउंट, ओनली 1, 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इफ़ यू लर्न द रूल देन ऑल्सो यू कैन फाइंड, अदरवाइज इफ़ आई अंडरस्टैंड देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द नंबर्स। हियर ऑल द नंबर्स आर नॉन ज़ीरो, तो दे विल बी सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3, 4, तो 4 आर हियर। नाउ इफ यू सी दिस ज़ीरो इज़ हियर, डेसिमल है यहाँ पर, ज़ीरो है नंबर के बीच में, ट्रैप ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो को सिग्निफिकेंट लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस केस में भी देखें अगर ज़ीरो बीच में आ रहा है, ट्रैप है, दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 4। इस केस में देखा जाए ये ज़ीरो ट्रेलिंग ज़ीरो है, लास्ट में आ रहा है, ये ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो है, लेकिन इस ज़ीरो को हम काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, 1 और 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। क्लियर? नाउ रेस्ट आई एम लीविंग फॉर यू ऑल, यू सी दिस नंबर्स फ्रॉम 13 to 20 आई एम लीविंग फॉर यू ऑल, यू फाइंड दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर एंड
आई विल मेंशन द आंसर इन दिस वीडियो बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन पॉज द वीडियो फाइंड द आंसर्स एंड देन चेक द आंसर्स आई विल गिव यू द आंसर इन दिस वीडियो बट बिफोर यू हैव टू पॉज इट डू बाय योर ओन एंड देन चेक द आंसर सो पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर एंड देन चेक द आंसर Now these are the answers of the left question what you had solved and now you check your answers. The significant for 13 is 3, 14 for 4, 15 for 4, 16 for 5, 17 for 6, 18 for 3, 19 for 4 and 20 for 4. Now this is how to find the significant figure. This is a very important topic for your knowledge also and for the competition point of view also. Now we will learn what is the use of significant figures in the chapter and in your syllabus.